छत्रपति शिवाजी महाराज ने पन्हाड़ा किला जीत लिया। किले के आसपास के गांव वालों को पता चला कि अब हम स्वराज में आ गए हैं। किले के नीचे गांव में रहने वाले कुछ जवान आपस में बातें करने लगे। अब हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, स्वराज के लिए काम करेंगे, और बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाते गए। उसमें गांव का एक लड़का था, उसका नाम था शिवाकाशित। वो दिखता था हुबेहू छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, नाम भी राजा जैसा। उसका बोलना, उसका चलना राजा की तरह, उसका चेहरा बिल्कुल राजा जैसा, और मन में एक ही विचार, हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, जिएंगे और मरेंगे तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए। फरवरी 1660, पन्हाड़ा किला को सिद्धि जौहर ने घेर लिया। उसके पास लगभग 65,000 की सेना थी। नेताजी पालकर ने सिद्धि हिलाल के साथ एक बार फिर से सिद्धि की छावनी में छापा मारा, लेकिन नेताजी पालकर को हार का सामना करना पड़ा। पर महाराज ने तभी तय किया कि अब ताकत से नहीं, दिमाग से काम करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई, अपने जैसे दिखने वाले शिवाकाशित को बुलाया और उसे कहा, आप हमारे जैसे दिखते हो, हम आपको हमारे कपड़ों में देखना चाहते हैं। शिवाकाशित तैयार हो गया। उसने महाराज के कपड़े परिधान किए, सर पर जीरो टोप चढ़ाया और राजा की तरह चलते चलते महाराज के सामने आया। महाराज देखते ही रह गए और बोले, मैं अपनी तस्वीर शीशे में देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। महाराज, अब वो सिद्धि मुझे नहीं पहचानेगा ना? महाराज देखते ही रह गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें अपना रूप लेकर सिद्धि के पास भेजने वाला हूँ? महाराज, इतने दिन से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके दिल की धड़कन क्या कहते हैं हमें पता चल जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर उसे मिलने जा रहा हूँ। ये बात सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज भावुक हो गए। वो आगे आए और शिवाकाशित को गले लगाया। बारिश का मौसम था। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजी प्रभु देशपांडे, शितोजी नाइक और कुछ चंद साथियों के साथ पन्हाड़ा किला से विशालगढ़ की ओर चल पड़े, और उसी वक्त शिवाकाशित छत्रपति शिवाजी महाराज बनकर सिद्धि जौहर से बात करने के लिए पालकी में बैठकर चल पड़ा। सिद्धि राह ही देख रहा था। जैसे ही पालकी आई, सिद्धि बोला, आओ शिवाजी आओ, और उसने शिवाजी महाराज का स्वागत किया। शिवाजी महाराज और सिद्धि जौहर शामियाने की ओर बढ़ने लगे। ये शिवाजी नहीं हो सकता, ये बात सुनकर सिद्धि जौहर भड़क गया और उसने तलवार निकाली और महाराज को रोक कर पूछा, क्या तुम ही हो शिवाजी? हाँ मैं ही हूँ शिवाजी। सिद्धि ने तलवार से वार किया और पूछा, सच बताओ कौन हो तुम? ऐसे बार बार सिद्धि जौहर पूछता रहा और शिवाकाशित बोलता रहा, हाँ मैं ही हूँ शिवाजी, मैं ही हूँ शिवाजी। ये बात सुनकर सिद्धि जौहर सोच में पड़ गया। तभी सिद्धि ने फाजल कान से पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह शिवाजी नहीं है? हुजूर, मैंने शिवाजी को नजदीक से देखा है। जब अफजल खान की मौत हुई थी तब मैं वहां था। उस लड़ाई में शिवाजी के सर पर एक घाव लगा था। अगर ये सचमुच शिवाजी है तो उसके सर पर भी वो घाव का निशान होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये शिवाजी है। सिद्धि आगे आया और शिवाजी के सर का जीरो टोप निकाला। घाव नहीं था, शिवा पकड़ा गया। सिद्धि ने शिवा पर जोर से तलवार चलाई और उसको पूछा, मरने से पहले आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम शिवाजी हो? कौन हो तुम? और शिवाकाशित बोला, जन्म से मैं शिवाकाशित हूं, लेकिन मरते वक्त तो शिवाजी महाराज बन के मर रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और शिवाकाशित स्वराज के लिए शहीद हो गया।